एम। आज आप पढ़ेंगे ए और एम। ए और एन हमें कैसे स्टार्ट करने हैं? डू यू नो बॉबल्स? ए ई आई ओ यू। कौन कौन से बॉबल्स होते हैं हमारे? ए ई आई ओ यू। ओके, अभी हमें कैसे पता चलेगा कि बॉबल्स के साथ में हम क्या करते हैं, किसका यूज करेंगे, ए का या फिर एन का? किसका यूज करेंगे हम? एन का। बॉबल के साथ में हमेशा एन का यूज होता है और कॉन्सोनेंट के साथ में ए का यूज होता है। तो बॉबल्स हमें सबको पता है कौन कौन से हमारे? ए ई आई ओ यू, ये हमारे बॉबल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। उसके बाद बी सी डी वगैरह। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे हमें ए फिल करना है और कहाँ पर हमको एन फिल करना है? तो हम क्या करते हैं, जब स्पेलिंग जो लिखी हुई है हमें, उसका सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखते हैं। अब फर्स्ट लेटर इसका क्या है? बी। तो बी क्या है? बी बॉबल है या कॉन्सोनेंट है? ये सबको पता है कि बी जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ में हम क्या यूज करते हैं? ए। कॉन्सोनेंट के साथ में क्या यूज करते हैं? ए। वेरी गुड। अभी यहाँ पर लिखा है ए, ए डबल पी एल ई, एप्पल, यानी कि फर्स्ट लेटर जो इसका है वो है ए। और ए क्या है हमारा? बॉबल। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये मैंने आपके बॉबल्स लिख दिए हुए हैं, जिसमें से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा बॉबल है। तो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इट मीन्स ए जो है वो हमारा बॉबल है। तो बॉबल के साथ में हम क्या यूज करते हैं? एन। ए एन एन। ओके, अभी इस तरह से हम कंटिन्यू देखते जाएंगे। एल, तो एल क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में क्या फिल करना है हमको? ए। जे, जे क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के साथ में क्या फिल करेंगे हम? ए। अभी यहाँ पर लिखा है ए, तो ए क्या है? बॉबल। बॉबल के साथ में क्या फिल करना है हमको? एन। वेरी गुड। आप भी सोचना है और आपको कंटिन्यू मेरे साथ इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आर। आर क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट में क्या फिल करना है? ए। आई, अब आई क्या है? बॉबल। तो बॉबल के साथ में क्या फिल करना है यहाँ पर? एन। के, के क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में क्या आएगा? ए। ओ, ओ क्या है? बॉबल। बॉबल में हमें क्या फिल करना है? एन। डी, डी क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में क्या आना है हमको? ए। यू, यू क्या है? बॉबल। बॉबल के साथ में क्या? एन। तो आपको समझ में आ गया ना, ए और एन का यूज हमें किस तरह से करना है? बॉबल है कॉन्सोनेंट के साथ में, यानी कि जहाँ पर फर्स्ट लेटर अगर हमारा बॉबल होता है तो उसमें हम एन फिल करते हैं, और अगर हमारा फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो हम उसमें ए फिल करेंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अब आप इसी तरह से अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आपकी बुक जो है ना, ये ग्लिटरिंग इंग्लिश, ये प्राइमर की जो बुक है, इसमें आपके जो टॉपिक दिया गया है पूरा आपका ये चैप्टर यूज ऑफ ए एंड एन, इसको हम आपको क्या करना है, इसी तरह से इसको रीड करना है अच्छे से, और इस वीडियो को अच्छे से आपको वॉच करना है। देन उसके बाद आपको इसमें जो एक्सरसाइज दी गई है जहाँ पर आपको ए और एन फिल करना है, उसको आप कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से। ओके, सो आई होप अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।